आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सभी यहां उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यगण, सभी यहां दूर दराज से आए, हर प्रदेश से, हर जिले से आए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और खास करके मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे साथीगण, बहुत दफे मुझे अपने जीवन में मौका मिला कि इसी मैदान में कांग्रेस की रैली में भाग लेने का, पर आज की रैली, कांग्रेस की रैली जो एक संदेश देगी देश को, आपका जोश, आपका उत्साह देख के मेरा खून 250 ग्राम बढ़ा है। कांग्रेस आजादी से लेकर समय समय पर कांग्रेस ने देश को संदेश दिया है और आज की रैली देश को फिर से एक नया संदेश देगी। देश की तस्वीर आप सबके सामने है, हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने अंधेरा है, हमारा पिटा हुआ किसान, हमारा गरीब मजदूर, हमारा दुखी व्यापारी, इसका चेहरा आपके सामने है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान में एक तड़प है, आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, वे व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये चित्र आप सबके सामने है और पिछले सालों में अपने देश में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। ये तस्वीर आप सबके सामने है, देश के नौजवानों के सामने है। हमारा किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मृत्यु कर्जे में होती है, आज अपना दुखी किसान भटक रहा है। न्याय, न्याय क्या मांगता है किसान? केवल न्याय मांगता है, सही मूल्य मांगता है। और नई क्रांति लाने की जगह हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी किसकी बात करते हैं? नौजवानों की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते। आपने सुना है मोदी जी को ये बात करते हुए? क्या बात करेंगे? राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मोदी जी, आप किसको पाठ पढ़ाने आए हैं राष्ट्रवाद का? आप किसको पाठ पढ़ा रहे हो? क्या आप कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे हो राष्ट्रवाद का? मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप गिन कर बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे? ये नाम बताएं कि कितने स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे। और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए हैं, ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए हैं, देश को पढ़ाने आए हैं। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति से हमें देश को सावधान करना है। बेरोजगारी से ध्यान मोड़ेंगे, किसानों की समस्या से ध्यान मोड़ेंगे, व्यापारियों की समस्या से ध्यान मोड़ेंगे। ये ध्यान मोड़ने की कलाकारी की राजनीति का संदेश हमें पूरे देश में पहचाना है। हमें कांग्रेस ने इतिहास में बहुत संदेश भेजे, आज मौका आया है एक नया इतिहास बनाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद देश में एक नया संदेश जाएगा और देश के भविष्य के लिए कांग्रेस एक नया इतिहास बनाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।